छोटे बच्चों में जो ORS है, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, उनको कब देना चाहिए, किस एज के बच्चे को कितना डोज में देना चाहिए, ORS के जो अलग अलग ब्रांड नेम हैं क्या सब सेम हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉल आता है, वालाइट ORS आता है या फिर ORSL आता है, क्या ये सब सेम है, क्या बच्चों के लिए जो ORS यूज होता है और बड़े लोगों के लिए जो ORS होता है उसमें कोई अंतर है। तो आज बात करेंगे ORS के बारे में, बच्चों को ORS कैसे देते हैं, कितना देते हैं, और अगर बच्चा अगर ORS नहीं पी रहा है तो उसकी क्या अल्टरनेटिव है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास ORS अवेलेबल नहीं है, पैकेट वाला ORS अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप घर पे खुद ORS बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि ORS क्या है। ORS बेसिकली एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जो हम छोटे बच्चों में डायरिया या लूज मोशन में यूज़ करते हैं और वॉमिटिंग के वक्त भी यूज़ करते हैं। बच्चों में जो वॉमिटिंग या लूज मोशन की वजह से जो बॉडी से वाटर या सॉल्ट निकल जाता है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड ORS कंपोजिशन बताया है, और उसी कंपोजिशन में अगर दें तो हमें जो रिहाइड्रेशन है, मतलब जो बच्चे को डिहाइड्रेशन होती है लूज मोशन या वॉमिटिंग के वक्त वाटर लॉस्ट होने की वजह से, तो उसको रिहाइड्रेट करने में, बॉडी को वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। तो जो WHO ORS है उसकी एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है, अगर उसी कॉम्पोजिशन में हम अगर बच्चे को देते हैं तो उसकी जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो सॉल्ट और शुगर की मदद से इंटेस्टिन में काफ़ी अच्छी होती है और बच्चा जल्दी हाइड्रेट हो जाता है। इसीलिए WHO ने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड WHO ORS दिया हुआ है और उसी प्रिपरेशन को यूज़ करने से हाइड्रेशन जल्दी से और इफ़ेक्टिवली होता है। तो ये है ORS, और ORS का यूज़ हम जनरली डायरिया या वॉमिटिंग के टाइम पे बच्चों को रिहाइड्रेट करने के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर बच्चे को किसी वजह से हाइड्रेशन की इशू है या डिहाइड्रेशन हो रहा है, बच्चे को थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, उस टाइम पे भी हम ORS का यूज़ कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एज के बच्चों को हम कितना ORS दें, तो इसमें आप ध्यान रखें कि जो 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं उनको अगर आप ORS दे रहे हो तो 50 ml ईच टाइम दे सकते हो, जब भी उसको लूज मोशन हो या वॉमिटिंग हो रही है। और 7 महीने से 2 साल के बच्चों को हम 50 से 100 ml दे सकते हैं, और दो साल से बड़े बच्चों को, जो 2 साल से 5 साल के उम्र के बीच में हैं, उनको करीब करीब 100 से 200 ml दिया जा सकता है। 5 साल से उम्र के बड़े के बच्चों को उनके प्यास के हिसाब से आप 200 ml से ज़्यादा जितना वो ले सकते हैं उतना हम ORS दे सकते हैं, ताकि उसकी हाइड्रेशन होती रहे। बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेश्चन रहती है कि जो बच्चों में ORS यूज होता है और जो बड़े लोगों के लिए ORS यूज होता है, क्या वो सेम है। तो इमेज में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो ORS है वो बड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए एग्जैक्टली सेम होता है, उनकी कॉम्पोजिशन में कोई अंतर नहीं है। बट जो ORS है वो 2 पैकेट की साइज़ में आता है, एक बड़ा पैकेट आता है जो कि 22 ग्राम साइज का, 22 ग्राम होता है उसमें, और एक छोटा पैकेट ORS आता है जिसमें कि 4.4 ग्राम्स होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़ा पैकेट ORS है उसको हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसको हम बच्चे को दे सकते हैं। सिमिलरली जो छोटा पैकेट ORS है उसको 200 ml पानी में डिसॉल्व किया जाता है, मतलब जितना उसका वेट है उसका 1/5 है। तो एग्जैक्टली सेम कॉम्पोजिशन जो बड़े लोगों को यूज़ होता है वही बच्चों में भी यूज़ होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो ORS है या फिर जो लिक्विड ORS है उसमें कोई अंतर है कि नहीं। तो देखिए, लिक्विड ORS जो मिलता है, अगर उस पर लिखा हुआ है कि WHO ORS है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि WHO ORS है, तो आप समझे कि वो एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन का ORS है और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी लिक्विड ORS आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सैचे वाले ORS को, बट ये ध्यान रखना कि उस पर WHO ORS लिखा हो। अगर उस पर WHO ORS लिखा है मतलब उसकी कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड ORS की कॉम्पोजिशन ही है, तो आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, ORSL या ORS के साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करके बहुत सारी कंपनीज नॉन ORS कॉम्पोजिशन वाले एनर्जी ड्रिंक्स बनाते हैं और देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। तो जनरली वो हम बच्चों को तब देते हैं जब बच्चा कुछ खाना वगैरह नहीं खा पाता है या फिर उनको वीकनेस वगैरह होती है, तो ऐसी सिचुएशन पे हम वो यूज़ करते हैं। बट वो स्टैंडर्ड ORS नहीं है, और उसको आप डायरिया या वॉमिटिंग के टाइम पे यूज़ ना करें, क्योंकि वो रिहाइड्रेशन के लिए नहीं है, वो ग्लूकोज सप्लाई को बढ़ाने के लिए है।
सिमिलरली जो ग्लूकॉन डी होता है वो भी ORS नहीं है, ग्लूकॉन डी एक ग्लूकोज का पाउडर है जिसको हम पानी में घोलेंगे तो उससे बच्चे को एनर्जी मिलती है, बट वो हाइड्रेशन के लिए नहीं है, वो एनर्जी सप्लाई के लिए है। तो बच्चे अगर कई बार बुखार में खाना नहीं खाते हैं या फिर बीमार पड़ने पर कम खाना खा रहे हैं तो उनको हम पानी में घोल के ग्लूकॉन डी देते हैं ताकि उनको ग्लूकोज की मात्रा मिलती रहे और एनर्जी की सप्लाई होती रहे। चीज़ जो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉल और ORS सेम है, तो इलेक्ट्रॉल ORS का एक ब्रांड नेम है, इलेक्ट्रॉल वॉलाइट ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से ORS मिलती है, अलग अलग कंपनीज उसको अलग नाम से बेचती हैं। जैसे कि हम पैरासिटामोल के लिए कैल्पोल क्रोसिन डोलो तरह तरह के नाम की यूज़ करते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉल एक ORS का ब्रांड नेम है और इलेक्ट्रॉल बहुत पुराना ब्रांड है जो काफ़ी दिनों से इंडिया में यूज़ होता है और ये स्टैंडर्ड WHO ORS है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा बच्चा ORS नहीं पीता है, ORS का टेस्ट बच्चे को पसंद नहीं है, तो क्या ORS के अल्टरनेटिव्स हैं जो हम दे सकते हैं। तो डायरिया और वॉमिटिंग में ORS के अलावा दूसरे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हो, राइस वाटर, दाल वाटर, बटर मिल्क, इन सब चीज़ों में अगर आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालोगे तो ये भी ORS की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें वाटर होता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सॉल्ट डालने से इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। तो कभी अगर ऐसा होता है कि आपका बच्चा ORS नहीं पी रहा है तो आप जैसे मैंने बताया राइस वाटर, दाल वाटर, कोकोनट वाटर और बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हो बच्चे को रिहाइड्रेट करने के लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हम ORS अवेलेबल नहीं है, सैचे ORS की सैचेट या फिर लिक्विड ORS हम खरीद नहीं सकते हैं, या ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पर मिल नहीं रहा है, रात के टाइम पे अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, ORS कैसे घर पे बना सकते हैं। तो होममेड ORS बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि 1 लीटर क्लीन वाटर या बॉइल्ड वाटर को नॉर्मल ठंडा करके उसमें 6 टीस्पून आपको चीनी डालना है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालना है। अगर आप ऐसा डाल के उसको अच्छे से घोल देते हो तो उसका कंपोजिशन करीब करीब जो स्टैंडर्ड WHO ORS है उसके आसपास आ जाता है और उसको आप अपने बच्चे को रिहाइड्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जब ORS दे रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने एक बार ORS को डिसॉल्व किया है तो उसको 24 आवर्स में ही यूज़ कर लेना है। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। तो एक बार जितना भी आपने ORS पाउडर पानी में घोल लिया है उसको आप अगर क्लीन कंटेनर में रखते हो तो आप उसको 24 आवर्स यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर 24 आवर्स के बाद बच गया है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए और फिर से नया ORS घोल लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछते हैं पेरेंट्स की, क्या फ्लेवर्ड ORS इफेक्टिव है। अगर कोई भी ORS पैकेट या फिर उसका जो लिक्विड टेट्रापैक में आता है उसके ऊपर अगर WHO ORS लिखा हुआ है तो उसका कंपोजिशन स्टैंडर्ड ORS के साथ सेम है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, भले ही वो फ्लेवर्ड हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये WHO ORS का मार्क अगर उस पर नहीं है तो आप उसको ORS नहीं मान सकते, वो एनर्जी ड्रिंक होगा, उससे आपके बच्चे को शुगर मिलेगी बट हाइड्रेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो फ्लेवर्ड ORS यूज़ कर सकते हैं बशर्ते कि वो WHO ORS हो, बट जो दूसरे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आते हैं जिस पे WHO ORS लिखा हुआ नहीं है वो आप उसको ORS ना समझें, उसको आप शुगर ड्रिंक समझें, जो कभी कभी बच्चे वीक हो जाते हैं या बुखार में कुछ नहीं खाते हैं तो हम एनर्जी के लिए देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ORS के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस या डाउट्स मन में होंगे उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स को शेयर करें ताकि उनको सही हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन बच्चों के हेल्थ के बारे में मिलती रहे। थैंक यू।